नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम मछवानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, और वो न्यू मदर के लिए बनाई जाती है। आपको भी जैसे कमजोरी लग रही है, कुछ तबीयत खराब है, उसमें आप ही बना करके खा सकते हैं। बच्चों को दिमाग बढ़ाता है, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो ये सामग्री देख लेते हैं पहले। तो ये हमने काजू लिए हैं, किशमिश, घी, चिरौंजी दाना, और ये नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है बारीक, और ये छुआरा हमने इसको दो दो पीसेस में काट कट कर लिए। पहले इसको फुला दिया था, इसके बाद हमने इस तरीके से इसको काट लिया है। और ये हल्दी, बादाम, थोड़े से गुड़ और ये सौंठ, इसे आप बाजार में मार्केट में पिसी हुई मिलती है और खड़ी भी मिलती है, तो खड़ी भी लाकर इसे पीस सकते हैं। और हमने इसको पाउडर ही लिया था, सौंठ के नाम से ही मिलता है ये। चलिए आगे की प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए, इसलिए हमने काजू ले लिया है और इसी में डाल देंगे ये हम किशमिश, चिरौंजी दाना, नारियल और ये बादाम। इनको सबको फुला देंगे 5-6 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए तो पीसने में आसानी होगी। जो हमने इसको लिए छुआरे को, इसमें पानी डाल देंगे। ये गुड़ को भी इसमें पानी डाल देंगे, ताकि ये भी फूल जाए। और ये सबको ढक करके रख देते हैं 5-6 मिनट के लिए। ये देखिए, खोल करके हम चेक करेंगे, 10 मिनट हो गया है, हमारा मसाला फूल गया है। चलिए चलते हैं इसको पीसने के लिए। मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने फुला करके रखे थे, काजू, बादाम और किशमिश, सब कुछ फुला करके रखे थे, उनको डालेंगे इसमें। और छुआरे को बस इतना ही पीसना है, गुड़ को नहीं पीसना है। ये देखिए, हमारा मसाला पीस चुका है, हम इसे 2-3 बार मिक्सर को रोक करके पीसा है। ये देखिए, इतना ही दरदरा होना चाहिए, ज्यादा दरदरा और ज्यादा महीन नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। देखिए, गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और कढ़ाई को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब इसमें घी डालेंगे, देसी घी है, 2 चम्मच घी डाल रहे हैं। इसमें घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हम शुरू में सामग्री में आपको नहीं दिखा पाए थे, जीरा भी थोड़ा सा लेना होता है, पर बहुत ही कम लेना होता है, ज्यादा नहीं लेंगे। ज्यादा नहीं तो फिर वो जीरा जीरा सा हो जाएगा। ये मसाला डाल देते हैं ड्राई फ्रूट का, जो हमने मिक्स करके तैयार किया था। देखिए, इसको इस तरीके से चला लेंगे, थोड़ी ही देर चलाते ही रहना है, और गैस को मंदी कर देंगे। हम हल्दी पाउडर डालेंगे और यहीं पे डाल देंगे ये अपना हम सौंठ, और इनको भी अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये बहुत पौष्टिक होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। ऐसे आप बना करके 2-3 दिन तक अच्छे से रख सकते हैं, इसके बाद गर्म करके खा सकते हैं, ठंडा भी अच्छा लगता है। इसे आप कभी भी बना करके खा सकते हैं, ठंडी में, बारिश में, कभी भी। अगर गर्मी में बनाए ना तो उसमें सौंठ न डालें। और इसमें डालेंगे गुड़, जो हमने घोल करके रखा था। गुड़ थोड़ा सा लिया है, क्योंकि मसाला जो होता है ना, ये काजू किशमिश सब कुछ तो मीठा ही होता है, इसलिए कम मीठा लिए, हमको कम मीठा पसंद है, इसलिए हमने गुड़ कम लिया है। अगर आपको और ज़्यादा मीठा चाहिए तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। ये देखिए, हमारी आचमानी बनकर के तैयार है। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये अचवानी को हमने सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे 1 चम्मच। घी डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू।